आज हम इस वीडियो में धनिया का पानी पीने के आयुर्वेदिक फायदे और औषधीय गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए अपनी रसोई में रखे मसालों का उपयोग किया करते थे और अपने आप को स्वस्थ रखते थे। इसका प्रयोग हर घर में खाने को लाजवाब बनाने के लिए किया जाता है, परंतु इसके अनेक आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी में भारत के आयुष मंत्रालय ने इस मसाले को बहुत लाभकारी बताया था। अगर इसके पानी का उचित रूप से सेवन किया जाए तो कई समस्याओं को जड़ से खत्म करना आसान है। आयुर्वेदिक चिकित्सा कहती है कि इसके अंदर इतने महत्वपूर्ण पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर को अनेक बीमारियों से बचाए रखने में मदद करते हैं। धनिये का पानी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन पाए जाते हैं। धनिये का पानी कैसे बनाएं? तीन अलग अलग विधियों के द्वारा आप धनिये के पानी बनाकर सेवन कर सकते हैं। सबसे पहली विधि में धनिया एक चम्मच बीज को एक गिलास पानी में रात को भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट कुल्ला करने से पहले इसको छानकर पी लें। अगर नियमित रूप से इस प्रयोग का सेवन किया जाए तो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ साथ शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरी विधि में आप एक चम्मच धनिया बीज का लें और उसको एक गिलास पानी में डाल दें। अब इस पानी को अच्छे से उबाल लें और जब यह आधा गिलास रह जाए तो इसको चूल्हे से उतार लें। ठंडा हो जाने के बाद आप इस पानी का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं। तीसरी विधि में आप हरे धनिया की पत्तियां दो छोटे कप लें और एक गिलास पानी में डालकर इसको गैस पर उबाल लें। जब यह आधा रह जाए तो उसको ठंडा होने के बाद सुबह खाली पेट पी लें। इस प्रयोग का उचित सेवन आपके शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया को मूत्राशय के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिससे आप किडनी की बीमारियों से बचे रहते हैं। धनिया का पानी के आयुर्वेदिक गुण। अगर आप चाहते हैं कि धनिया पानी आपको अच्छा फायदा दे तो किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। आप इस औषधीय पानी का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। मासिक चक्र में फायदेमंद। आज हर महिला फास्ट फूड और तला हुआ खाना पसंद करती है, परंतु उनको इस बात का नहीं पता कि यह आहार अंदर से शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। वर्तमान समय की बात करें तो महिलाओं में अनियमित पीरियड की समस्या आम हो गई है। 5 में से 3 महिला इस परेशानी का शिकार है। धनिये की बात करें तो यह पीरियड्स में होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से इस पानी का इस्तेमाल एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ाने का काम करता है, जिससे मासिक चक्र संतुलित बने रहते हैं। मधुमेह में लाभकारी। यह बीमारी आज के समय में सामान्य हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह खराब दिनचर्या और अनुचित खानपान है। अगर मधुमेह रोगी धनिये के हरे पत्ते या फिर बीज का सेवन वैद्य की सलाह लेकर करे तो इसके एंटी डायबिटिक गुण शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नियमित रूप से शुगर के रोगी को धनिये का पानी पीने की सलाह देते हैं। बालों की उत्तम औषधि। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बाल समय से पहले ही झड़ने लग जाते हैं, उनके लिए धनिये का विटामिन सी काम आता है। अगर सुबह खाली पेट एक गिलास धनिया पानी का सेवन किया जाए तो यह प्रयोग बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ उनको घना और मजबूत बनाता है।
इस प्रयोग का सेवन रोजाना करना उचित रहता है। पेट की समस्या। आयुर्वेद में धनिये को मजबूत रखने वाली महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। खाली पेट इसके एक गिलास पानी का सेवन गैस, कब्ज, बदहजमी, पेट दर्द और जलन जैसी अनेक समस्याओं में लाभकारी साबित होता है। यह प्रयोग पाचन क्रिया को संतुलित बनाए रखता है। वजन कम करने में सहायक। अत्यधिक मोटापे से परेशान व्यक्ति अगर सुबह खाली पेट धनिये का पानी पीता है तो उसको वजन कम करने में काफी मदद मिलती है। यह प्रयोग शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म कार्य को दुरुस्त बनाए रखता है, जिससे लीवर के आसपास अतिरिक्त फैट जमा नहीं हो पाता। आयुर्वेद चिकित्सा में इस प्रयोग को मोटापे को कम करने की रामबाण औषधि कहा गया है। कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद। वर्तमान समय में हाई कोलेस्ट्रॉल रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस रोग में अगर व्यक्ति खाली पेट सुबह धनिये का पानी सेवन करता है तो उसके अंदर के पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। इस समस्या से परेशान लोग नियमित रूप से धनिया पानी का उपयोग कर सकते हैं। हृदय रोगों में उपयोगी। हृदय की अलग अलग बीमारियों से परेशान लोगों के लिए धनिये का पानी फायदेमंद माना जाता है। आधुनिक शोध भी कहती है कि हृदय रोगों में धनिया पानी LDL कोलेस्ट्रॉल यानी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को दूर करने का भी काम करता है। धनिया के पानी के नुकसान। अगर किसी औषधि के लाभकारी गुण होते तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इन परेशानियों में आप भूल कर भी धनिया का पानी का सेवन न करें। जो लोग सांस की गंभीर बीमारी अस्थमा से ग्रसित हैं, तो वह इस पानी का सेवन बिल्कुल भी न करें। जिनका ब्लड शुगर कम रहता है वह भी इसके सेवन से बचें, क्योंकि यह पानी ब्लड शुगर को कम करके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी को लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वह भी इसके उपयोग से बचे। जिन लोगों को पेड़ पौधों से एलर्जी हो जाती है उनको धनिया बीज भी हानि पहुंचा सकता है। अगर किसी महिला के पीरियड्स कम दिन आ रहे हैं तो वह भी इसका सेवन न करे। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर आप इस पानी के आयुर्वेदिक गुणों का अच्छे से फायदा लेना चाहते हैं तो विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकॉन को दबा लें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।